इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फेस की शेडिंग है वो किस तरह से की जाती है और फिर उसके ऊपर टेक्सचर किस तरह से ड्रॉ करना है ताकि हमारी जो फेस की ड्राइंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आए। अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं हर एक चीज़ सिंपल तरीके से और डिटेल में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा 2H की पेंसिल को, उसके बाद जो इसकी पलके हैं उसे मैं 8B पेंसिल से बड़े ध्यान से ड्रॉ करूँगा। आँख के ऊपर वाली लाइन को भी हम बड़े आराम से ड्रॉ करेंगे। ब्रश के साथ अब हम इस पोर्शन को आराम से ब्लेंड करेंगे। इसकी जो आईब्रो है उसे हम बिल्कुल ही हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे और पेंसिल को आगे से काफी शार्प रखेंगे। नाक के साथ वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा शेडो में होता है, इसलिए वहां पर हम ज्यादा शेडिंग करेंगे और फिर उसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर देंगे। अब जो हेड वाला पोर्शन है उसे शेड करने के लिए मैं 2H की एंड HB की पेंसिल यूज करूंगा। दोनों ही काफी लाइट पेंसिल है और काफी लाइट शेडिंग होती है इनसे, और इसे बड़े ही हल्के हाथों से हम शेड करेंगे। यहाँ पर भी आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से एक अलग ही लाइन बन जाएगी जो बाद में अच्छे से ब्लेंड नहीं होती, तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ही शेड करना है। ब्लेंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सॉफ्ट मेकअप ब्रश को, और आप इसे गोल गोल घुमाकर ही ब्लेंड करना क्योंकि इस तरह से ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। इसे 3D दिखाने के लिए कुछ पोर्शन के ऊपर हम ज़्यादा शेड करेंगे, जो कि हेड वाला ये वाला पोर्शन है और दूसरा ये वाला। ये दोनों ही पोर्शन थोड़ा शेडो में नजर आएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर जो शेडिंग की ज़्यादा लेयर्स है वो अप्लाई करेंगे। अब हम बड़े ब्रश के साथ एक बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्लेंडिंग करेंगे, और यहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। और जो शेडो वाले पोर्शन है वहाँ पर हम और ज़्यादा शेडिंग की जो लेयर्स है वो अप्लाई करेंगे। अब इसे भी आराम से और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर को यूज करूंगा, इससे और ज्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। इस पोर्शन को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पर हम स्किन टेक्सचर बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं यूज करता हूँ पेंसिल इरेजर को, जहाँ पर हम हल्की हल्की जो वाइट लाइंस है वो ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने वाइट लाइंस ड्रॉ की है उसके नीचे हम हल्की हल्की शेडो ड्रॉ करेंगे HB पेंसिल से।
अभी के लिए हम यहाँ पर हल्की हल्की जो आईब्रो है वो ड्रॉ करेंगे ताकि हमें स्किन टेक्सचर कहाँ तक ड्रॉ करना है उसका अंदाजा रहे। बड़े ब्रश के साथ हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे और ध्यान रखना हमारा जो टेक्सचर है वो कहीं ब्लेंड ना हो जाए। बस इस पोर्शन को हल्का सा स्मूथ करना है और हमने जो टेक्सचर ड्रॉ किया था अब उसके ऊपर हम हल्की सी हाईलाइट जो है वो ड्रॉ करेंगे। नीडिबल इरेजर से हमारा जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसे हल्का सा और लाइट करेंगे। इसके लिए आपको हल्का हल्का टैप टैप करके जहाँ पर आप लाइट करना चाहते हो उस पोर्शन को हल्का सा लाइट आप कर सकते हो। अब बड़े ब्रश के साथ फिर से हल्का सा ब्लेंड करेंगे और जहाँ पर और लाइट पोर्शन चाहिए उसे वहाँ से थोड़ा और लाइट करेंगे। अब जो आईब्रो वाला पोर्शन है उसे हम 8B पेंसिल से बड़े ही आराम से ड्रॉ करेंगे। मोनो जीरो इरेजर से हम जो हाईलाइट वाले पोर्शन को और ज़्यादा क्लियर दिखाएंगे उसके लिए हल्की हल्की और हम हाईलाइट क्रिएट करेंगे। जिस तरह से हमने हेड वाले पोर्शन को ड्रॉ किया है उसी तकनीक से हम पूरे फेस को ड्रॉ करेंगे। आप ध्यान से देखते रहो मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैंने हल्की सी इरेजर यूज़ की और इस पेज की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि ये पेज बिल्कुल हल्का सा यहाँ से डैमेज हो गया जिसकी वजह से शेडिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। तो आप कभी भी आर्ट राइट का ड्राइंग का पेज मत खरीदना क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है ये बहुत बुरा है क्योंकि ये जो पेज है ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। आग के अंदर ब्लैक डॉट को हम 8B पेंसिल से ड्रॉ करेंगे।
जो हाईलाइट वाला पोर्शन है वहां पर हम ज्यादा शेडिंग नहीं करेंगे। आंख के अंदर जो व्हाइट पोर्शन है उसे हम HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। यहां से हल्का सा हम ब्लेंड कर देंगे। सिक्स बी पेंसिल से हम इस शेडो वाले पोर्शन को शेड करेंगे। ये जो नाक वाला पोर्शन है इसके जो एज है उसे हम हल्का हल्का डार्क शेड करेंगे ताकि वो थोड़ा शेडो में नजर आए और हमारा जो नाक है वो थोड़ा 3D में नजर आए। इस शेडिंग को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आंख के नीचे जो रिंकल है उसे बड़े ही आराम से ड्रॉ करना है, प्रेशर अप्लाई मत करना। अब और ज़्यादा जो गहरी शेडो है उसे भी आराम से शेड करके ब्लेंड करते जाएंगे। पेंसिल इरेजर से यहाँ पर हल्की हल्की जो स्किन की लाइंस है वो ड्रॉ करेंगे। व्हाइट लाइन के नीचे हम हल्की हल्की जो शेडो है वो ड्रॉ करेंगे। अब अच्छे से इसे ब्लेंड कर देंगे। अब जो फेस का बाकी पोर्शन है उसे भी हम आराम से शेड करेंगे। अब मेकअप ब्रश से इसे राउंड राउंड करके ब्लेंड कर देंगे। अब डार्क पोर्शन को यहां पर हम 4B पेंसिल से शेड करेंगे। सॉफ्ट मेकअप ब्रश के साथ इसे हम हल्का सा ब्लेंड करेंगे। अब छोटे ब्रश के साथ इसे हम प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
पेंसिल इरेजर से हम हल्की हल्की जो हाईलाइट है उसे क्रिएट करेंगे। लिप्स के लिए हम 4B और 8B पेंसिल यूज़ करेंगे और इसे बड़े ही आराम से और हल्के हाथों से ही शेड करना है। इस पोर्शन को हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये वाला पोर्शन थोड़ा साइड में है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी शैडो ड्रॉ करेंगे। अब इसे भी हल्का हल्का काफी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। शेडिंग को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टिश्यू पेपर को। इसके गाल को थोड़ा 3D दिखाने के लिए हम इसका जो नीचे वाला पोर्शन है गाल का, वहाँ पर हम थोड़ी शेडिंग करेंगे और फिर उसे ब्लेंड कर देंगे और ये काफ़ी 3D में रियलिस्टिक नज़र आएगा। इस पोर्शन को भी थोड़ा 3D दिखाने के लिए हम इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे थोड़ा लाइट करेंगे और नीचे शैडो बन जाएगी और जिसकी वजह से ये और ज़्यादा 3D और रियलिस्टिक नज़र आएगा। नीडिबल इरेजर से हम गाल वाले पोर्शन को थोड़ा सा और लाइट करेंगे टैप टैप करके, इससे ये और ज़्यादा 3D नज़र आएगा। पेंसिल इरेजर से हम हल्का हल्का यहाँ पर टेक्सचर ड्रॉ करेंगे।
नीचे की तरफ हम और ज़्यादा शेडो को ड्रॉ करेंगे और फिर उसे ब्लेंड कर देंगे। पेंसिल इरेजर से हम लिप्स के पास हल्के हल्के जो रिंकल्स है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हम हल्का हल्का जो स्किन टेक्सचर है वो ड्रॉ करेंगे। अब ब्रश के साथ इसे हल्का सा ब्लेंड करेंगे और ध्यान में रखना हमारा जो टेक्सचर है कहीं वो भी ब्लेंड ना हो जाए। और हमारा ये जो पोशन है वो बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर मैं अच्छे से नहीं समझा पाया तो कमेंट करके बता देना, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हो। मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि इसकी जो ड्रेस है वो किस तरह से शेड करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।